यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये सामने एक स्क्रीन लगी हुई दिख रही है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वन 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 हर जगह वन वन दिखेगा। यही चीज़ हम अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या है ऐसी कौन सी हिस्ट्री इस नंबर के साथ जुड़ी हुई है, कौन सी टीम है जो इन नंबरों के साथ जुड़ी हुई है, किस टीम के साथ ऐसा मिरेकल हुआ है, चलिए देखिए। ऑन 11/11/11 मतलब 11 जो डेट है ठीक है, और उसी में 11वां मंथ है, और 2011 11 तारीख 11वां महीना और 2011 दिन के 11:11 पर साउथ अफ्रीका नीडिड 111 रन्स टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। भाई इससे ज़्यादा हमें जो क्रिकेट में अगर हम देखेंगे तो शायद चौंका देने वाली जो बात है, जो हिस्ट्री है, वो शायद हमें कहीं मिले। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपके लिए बहुत दूर से खंगाल कर लाया, बहुत दूर से इस पर रिसर्च करके लाया। यहाँ पे आप देखें 11 तारीख है, 11 डेट है, 11 महीना है, 2011 है, और 11:11 पर ऑस्ट्रेलिया को सॉरी साउथ अफ्रीका को 111 रन चाहिए। क्रिकेट में ऐसी चीज़ हमें शायद ही कभी देखने को मिले, और ये अक्सर हमें पता है कि ऐसी चीज़ हमेशा साउथ अफ्रीकन टीम के साथ होती है, और हम देखते भी हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेलती है। जैसे अभी हुआ वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो अफ्रीकन टीम है बहुत अच्छा खेल रही थी, टॉप पे जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल आते ही वो बाहर हो गए। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं किसके, साउथ अफ्रीकन टीम के साथ। देखिए यहाँ पर कुछ पढ़ भी लेते हैं हम, यहाँ पर वो ये साउथ अफ्रीका 111 रन टू स्पेक्टेटर्स एंड अंपायर इयान गोल्ड स्टूड ऑन 1 lakh फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट मिनट। और जब ये चीज़ बोर्ड पर सामने लगी, मतलब स्क्रीन पर जब ये चीज़ देखने लगी, तो स्पेक्टेटर्स और जो अंपायर इयान गोल्ड थे वो 1 मिनट तक, कितने 1 मिनट तक अपनी एक टांग पर खड़े रहे। उस 1 मिनट तक जब तक वो मतलब पूरी वन वन वाली चीज़ खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो वहीं पर क्या हुए, खड़े रहे, कॉमेमोरेटिंग द नेल्सन ऑफ ऑल नेल्सन्स। और उन्होंने ऐसा कहा, उनकी ज़बान से कुछ अल्फाज निकले, द नेल्सन ऑफ ऑल नेल्सन्स। नेल्सन ऑफ ऑल नेल्सन्स का मतलब ये हुआ कि देखिए जिस तरह से हमारे लिए, जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से काम किया मतलब इंडिया के लिए, उसी तरह से पाकिस्तान के लिए किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उसी तरह से जो आज़ादी के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वहाँ पर, तो वो कौन थे, नेल्सन मंडेला, मतलब इंडिया के महात्मा गांधी, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, और साउथ अफ्रीकन के लिए अगर आप देखेंगे तो वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पर एक अपार्थिड ला था, अपार्थिड ला में ये था कि जो गोरे थे और जो काले थे इनमें बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखाया जाता था, मतलब गोरे जो हैं उनको बेहतर माना जाता था काले रंग के लोगों से, और उसी चीज़ की जंग थी, उसी चीज़ के खिलाफ थे कौन, नेल्सन मंडेला, जिसमें वो कामयाब भी हुए, और महात्मा गांधी के साथ भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी जो दोस्ती थी, वो दोस्ती जो थी वो भी अच्छी थी, किसकी, नेल्सन मंडेला की। तो मतलब जो आज़ादी के लिए काम किया नेल्सन मंडेला ने उसके लिए उनको हीरो माना जाता है, ठीक है ना, और वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने चीज़ साथ जोड़ी है वो, ठीक है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये हैं कन, मैन हु रेप्ड एंड स्टैब 23-year-old एक्स गर्लफ्रेंड 111 टाइम्स फ्रीड बाय पुटिन। देखिए रशिया के यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुटिन, उन्होंने क्या किया है कि एक एक्यूज्ड मैन, ठीक है, जिसने रेप किया था और स्टैब किया था, मतलब वार किया था चाकू से, एक 23 साल अपनी उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब जो रह चुकी गर्लफ्रेंड है, उसके ऊपर 111 बार, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उसको ऑफिशियली क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, मतलब उसको रिलीज़ कर दिया, उसको उसके जो गुनाह की सज़ा थी वो उसको माफ़ कर दी। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर आगे हम देखते हैं। द 27-year-old convict was forgiven because he fought against Ukraine as part of convict requirement by Russia। देखिए इस 27 साल इस मुजरिम को जो माफ़ करने की वजह रही है वो ये रही है कि ये यूक्रेन के खिलाफ लड़ा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कन्विक्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी रशिया के द्वारा ये उनमें से था, मतलब
जब रशिया के लिए भेजा जाने लगा लड़ाई करने के लिए, तो फिर जितने भी जो मुजरिम थे उनके लिए भी एक अलग से रिक्रूटमेंट निकाली गई, और फिर ये उसी रिक्रूटमेंट में क्या हुआ गया, मतलब इसमें ये भर्ती हुआ, और फिर यहीं से ये जाके लड़ा, किसके लिए लड़ा, रशिया के लिए लड़ा। और फिर उसी चीज़ को देखते हुए जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसकी सज़ा माफ़ कर दी। नेबर्स हु हियर द 23 ईयर ओल्ड स्क्रीम्स हैड मेड 7 कॉल्स टू द पुलिस हु फेल्ड टू अल्टर एंड सेव हर। देखिए जब ये इसके ऊपर लड़की के ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने जो नेबर्स थे उन्होंने पुलिस को कॉल भी की, लेकिन कॉल जो है वो मतलब उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, और सेव करने में मतलब उसको बचाने में भी वो फेल हो गए। ये लड़की के लिए था, ठीक है। चलिए आगे देखती है यहाँ पर क्या है। ये यहाँ अगर आप देखेंगे, फिशरमैन बिकम्स मिलियनेयर ओवरनाइट आफ्टर सेलिंग रेयर सोवा फिश इन पाकिस्तान। देखिए एक फिश होती है सोवा, और इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए मतलब इसका यूज़ होता है कि दवाइयों में, ठीक है, और ये बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर देखिए कोई भी चीज़ जिस जो कम क्वांटिटी में मिलती है, लेस क्वांटिटी में मिलती है, तो उसकी प्राइस हमेशा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड एक्चुअल में होता बहुत कम है, तो इसलिए इसकी होता बहुत कम है, लेकिन इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है, और फिर उसी वजह से मतलब कम होने की वजह से उस चीज़ की प्राइस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ये सोवा फिश जो है ये मतलब जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो बड़ी बीमारियाँ हैं उनके लिए इस फिश का यूज़ किया जाता है, और इस फिश का मिलना जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जिसको ये मिलती है तो उस वक्त उसकी दुनिया ही बदल जाती है। ऐसे ही फिश एक फिशरमैन ने क्या किया, मतलब उसको मिली है, पकड़ रहा था मछेरा जो, और उसको अचानक से एक फिश मिली जो उसका जो कॉन्सियस सोवा फिश, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। और जब उसने उसको बेचा तो वो मिलियनेयर हो गया, मतलब मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में उसने वो क्या की, उसकी बिकनी हुई उसमें, ठीक है। और एक ही रात में, मतलब एक पल में वो ज़ीरो से हीरो हो गया, ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कतर रिजेक्ट्स अपील अगेंस्ट डेथ सेंटेंस ऑफ 8 इंडियंस। देखिए अभी हम सबको पता है कि जो कतर है, अगर हम देखेंगे कि इंडियन के 8 इंडियंस जो नेवी ऑफिशियल्स जो थे, ठीक है ना, उनको कतर ने क्या किया कि फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन अभी अगर बात करें तो इंडिया ने इस चीज़ पर एक मतलब वहाँ पर अर्जी भी की है कि इनकी जो सज़ा है वो माफ़ की जाए, लेकिन कतर जो है अभी मानने को तैयार नहीं है। अगर इसकी रीज़न की बात करें, जो डेथ सेंटेंस दी जा रही है कतर में, वो ये है कि इन्होंने मतलब कतर की जो मतलब इन्होंने एक जासूसी का काम किया था, इन 8 इंडियन ऑफिशियल्स ने जासूसी का काम किया था, किसके लिए, इसराइल के लिए। और उसी चीज़ को देखते हुए फिर कतर की जो गवर्नमेंट है, कतर की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इन 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दी है। लेकिन उसी को लेते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने अपील की थी, लेकिन कतर ने आपने देखा यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या है। लोनलीनेस डिक्लेयर्ड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर सीधा सा एक ही मतलब है इस चीज़ का कि अगर आप अकेले रहते हैं तो उसमें आपकी सेहत पर उसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई अकेला रहता है तो उसके लिए वो जो लोनलीनेस है एक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ है ये, ठीक है ना। आप कंसर्न है इस पर, मतलब इस पर तवज्जो देना जो है, इस पर अटेंशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसा होता है, अभी जिस तरह से रिपोर्ट निकली है तो उसमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी हो सकती हैं किसी भी इंसान में अगर वो अकेला रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपको बता दूँ मैं, लोनलीनेस कैन हैव ए सीरियस इंपैक्ट ऑन ओवर हेल्थ एंड वेलबिंग, इट इंक्रीज रिस्क ऑफ अर्ली डेथ एंड डेवलपिंग डिमेंशिया, स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऐसी डिजीज वगैरह हो सकती हैं, और अर्ली डेथ का भी रीज़न बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये आप देख लें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं वो हैं टेड्रोस एडनॉम गेब्रियसस। चलिए उनका कहना है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया लॉस्ट वर्ल्ड कप ड्यू टू मैच ऑन इंदिरा गांधी बर्थडे, हिमंता शर्मा। देखिए पहले जो था वो राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया जो मैच हारी है वो मोदी जी वहाँ गए, तो उस वजह से जो मैच है वो इंडिया हारी है, और उन्होंने फिर पनौती वर्ड भी यूज़ किया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बाद में नोटिस भी निकाला है, और कुछ ही दिनों के अंदर राहुल गांधी को उसका रिप्लाई भी करना है कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बनी है उनके लिए ऐसा वर्ड क्यों यूज़ किया, पनौती क्यों यूज़ किया। और उसी के शायद देखते हुए जो यहाँ पर एक हिमंता शर्मा है, इन्होंने क्या किया, ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो इंडिया वर्ल्ड कप लॉस जो हारी है उसकी वजह ये रही है कि उस दिन जो था वो इंदिरा गांधी का बर्थडे था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी क्या राय है, आप ही बता सकते हैं कि क्यों हारिए।
हमारी राय में तो वो अच्छा ना खेलने की वजह से आ रही है, आपकी राय में क्या है? चलिए देखिए, फोर्सिबली अप्लाइंग सिंदूर डज नॉट मीन मैरिज, पटना हाईकोर्ट। देखिए बिहार का जो ए पटना हाईकोर्ट है उसने कहा है कि अगर आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, फोर्सिबली अगर सिंदूर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक शादी के बंधन में बंध चुके हैं, ऐसा कहना है पटना हाईकोर्ट का। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखें, पाकिस्तान अप्लाइज टू जॉइन ब्रिक्स इन 2024, सीक रशिया सपोर्ट। देखिए पाकिस्तान ने अप्लाई किया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए 2024 में, और वो रशिया की सपोर्ट लेना चाहता है, क्योंकि ब्रिक्स में अगर हम देखेंगे तो ये हैं कितने, 5 मेंबर, लेकिन अभी 6 मेंबर्स और भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना, और 6 मेंबर, अब टोटल बात करें तो 11 मेंबर्स हो गए ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और जो 6 मेंबर जो ऐड होंगे वो 2024 में होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ही groped my breasts and genitals at a rooftop bar, woman and actor Jamie Foxx. On actor Jamie Foxx, देखिए एक वुमेन है, उन्होंने इस तरह से इल्ज़ाम लगाया एक्टर जेमी फॉक्स के ऊपर, ये जेमी फॉक्स के ऊपर जो अभी हमने देखे, ठीक है, इनके ऊपर लगाया कि इन्होंने क्या किया कि मेरे ब्रिस्ट और मेरे जेंटल्स को क्या किया, उन्हें ग्रुप्ड किया, ठीक है ना, मतलब दबाया और मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनको ग्रुप्ड किया, ठीक है, पकड़ा और दबाया वगैरह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंबोडिया फॉर फी T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट इंडोनेशिया रिफ्यूज टू बैट आफ्टर 11.3 ओवर्स। देखिए कंबोडिया और इंडोनेशिया के बीच में T20 इंटरनेशनल की एक सीरीज चल रही थी, ठीक, लेकिन उसी के चलते एक मैच के दौरान जहां पर कुछ फैसला गलत होने से कंबोडिया की जो टीम है उसने जो अंपायर के रूल्स हैं, मतलब जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसके खिलाफ वर्जी की, और फिर उसी के चलते जब उसने 11.3 ओवर्स के मतलब उसके बाद उसने बैट करना वो ग्राउंड से निकल गए जब 11.3 ओवर्स हुए, मतलब बैटिंग करने आया नहीं कोई, ठीक, तो उस वक्त जो वो मैच चल रहा था उसका जो रिजल्ट था वो इंडोनेशिया टीम को दे दिया गया, और उसी के साथ इंडोनेशिया जो 7 मैच की सीरीज जो चल रही थी उसमें मतलब 4 मैच जीत कर वो उसने सीरीज वो जीत ली। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ओप्स सबवे कस्टमर एक्सीडेंटली टिप RS 5 लाख फॉर ARS 600 सैंडविच। देखिए एक कस्टमर एक्सीडेंटली उसको क्या हुआ, 5 लाख की टिप मिली जब 600 का सैंडविच उसने लिए, ठीक है ना, मतलब उसने दिया तो उस वक्त उसको, ये अगर बात करें तो US में मिस्टेकली मतलब गलती से ऐसा हुआ, 600 का सैंडविच था और उसी को चीज़ मतलब उसी को डिलीवर करते वक्त उसको 5 लाख की टिप मिली, लेकिन 5 लाख की टिप जो थी ये एक्चुअल में थी नहीं, मतलब उसके अकाउंट में डाली है बट वो एक्चुअल में देना नहीं चाहता था, ठीक है ना, और वो शायद 500 ही मान लेते हैं या 50 मान लेते हैं, तो उसकी जगह वो 5 लाख उसको टिप मिल गई, ऐसा हुआ कहाँ, US में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हैं अपने भाई सलमान भाई। चलिए क्या है ये, यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट गॉन आउट फॉर डिनर इन 25 to 26 ईयर्स से सलमान खान। सलमान खान का कहना है कि पिछले 25 से 26 साल मुझे हो गए हैं, आज तक मैंने कभी भी बाहर डिनर नहीं किया, मतलब गया ही नहीं भाई, घर के अंदर ही, बहुत अच्छी बात है, आप भी ऐसे ही करें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सबसे आखिरी और सबसे लास्ट स्लाइड, इसी न्यूज़ के साथ अपनी इस वीडियो को करते हैं क्लोज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। चलिए अभी तक के लिए इसको हम रखते हैं, इतना ही करते हैं स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।